नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ जातक के हाथ में ऐसी रेखाएं होती है जो उन्हें पूर्वजों की अचल संपत्ति दिलाती है। किसी को ससुराल से अचल संपत्ति मिलता है, किसी को नानी घर से चल अचल संपत्ति मिलती है, घर मकान मिलते हैं, मामा घर से मिलते हैं, और कुछ लोग खुद की बनाई हुई संपत्ति को जमा करते हैं। वो अपना घर बनवाते हैं, अपने लिए अचल संपत्ति बनाते हैं। तो सबकी रेखाएं अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग मेहनत करके जमा करते हैं, कुछ लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाती है, ससुराल से, नानी घर से, या कहीं से भी मिलती है। तो जातक के हाथों में कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो ये बतलाती है कि उसको अचल संपत्ति मिलेगा, घर मिलेगा, मकान मिलेगा, बना बनाया हुआ मिलेगा। आइए इसी पर हम बतलाते हैं वो रेखा कौन सी होती है। सबसे पहले है कि हमारे हाथों में ये तीन रेखाएं मुख्य रूप से होती है, ये तो हमने बताया ही है। एक रेखा जो हमारे जीवन रेखा को, ये जीवन रेखा जो घेरती है शुक्र क्षेत्र को, इस प्रकार से नीचे मणिबंध की ओर जाती है। इसी तरह की एक रेखा ये मंगल क्षेत्र से निकलती है, इस क्षेत्र से निकलती है इस प्रकार से। ये रेखा आयु रेखा की अपेक्षा थोड़ी पतली होती है, पतली और हल्की भी होती है, इस प्रकार से जाती है। अगर किसी जातक के हाथ में, ये हमारी आयु रेखा, ये आयु रेखा है, ये थोड़ी गहरी और मोटी होती है, ये रेखा थोड़ी पतली सी रेखा, इस प्रकार से ये मंगल रेखा है। तो ऐसा अगर किसी के हाथ में ये मंगल रेखा मौजूद हो तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको प्रॉपर्टी, आपके पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया प्रॉपर्टी, चाहे आपके पिताजी ने बनवाया हो या दादा ने बनवाया हो, आपको प्रॉपर्टी अवश्य मिलेगी। आपके पास अपना अच्छा घर होगा, जगह होगा, भूमि होंगे, सब कुछ होगा, मतलब अचल संपत्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब है दूसरी स्थिति। अगर किसी के हाथ में मंगल रेखा नहीं है, तब दूसरी स्थिति जो बनती है, ये हमारी भाग्य रेखा से कोई रेखा अगर बुध की ओर चली जाए, ये हमारा बुध क्षेत्र होता है, इस प्रकार से निकल के भाग्य रेखा से कोई अगर बुध की ओर चली जाए, आइए ट्रायंगल बना रहा हो, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से सट के ये त्रिभुज बनावे, ये जो रेखा जाइए स्पष्ट तरह से हो, यहाँ जा रही है बुध की ओर, मान लीजिए इस प्रकार से जा रही है, स्पष्ट हो, निर्दोष रेखा पूर्ण फल देती है। लेकिन कोई रेखा अगर टूटी हो, दाग धब्बे हो, टेढ़े मेढ़े हो, तो फिर इस पर फल में कमी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जब आप रेखा पार होती हो, तो ऐसे लोग को अचल संपत्ति प्राप्त होती है वसीयत में। तीसरी रेखा जो हमारी, ये बुध क्षेत्र है, ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, इसके बीच से ये यहाँ पर ये छोटी सी रेखा इस प्रकार से दिखती है, दोनों उंगलियों के बीच में इस प्रकार से जो छोटी रेखा दिखती है, ये दिखलाती है कि आपको पूर्वजों की संपत्ति मिलेगी, पुरखों की संपत्ति, आपके दादाजी की बनाए हुए हो, या आपके नानी घर, नाना के यहाँ से मिले, मामा के यहाँ से मिले, तो ऐसे लोगों को पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब इसी में ये दो या तीन, इस प्रकार से तीन भागों में विभक्त हो जाती थी, यही दिखलाती है कि ये पूर्वजों की संपत्ति विवादग्रस्त मिलेगी। हो सकता है आपको घर में आपके भाई से, चाचा से इसमें विवाद उत्पन्न हो जाए, ये इस चीज़ को दिखलाती है। अगर ये दो रेखा, सिर्फ दो रेखा स्पष्ट हो, तो ये दिखाती है कि आपको दो जगह से ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी। और मंगल रेखा पर, ये मंगल हमारा क्षेत्र मंगल पर अगर क्षेत्र आपको है, जाल मंगल नजर क्षेत्र आवे, पर अगर इस प्रकार से जाल रेखा है, ये जाल इस ये भी प्रकार आपको से कटी कटी विवादग्रस्त रेखाएं नजर आवे, संपत्ति को ये दर्शाता है दर्शाती कि है आपको कि आप संपत्ति तो मिलेगी, लेकिन उस विवादग्रस्त संपत्ति प्रॉपर्टी में में कई तरह पड़ेंगे। के ये विवाद प्रॉपर्टी होंगे, आपके आपके घर पुरखों के की हो लोगों के सकती द्वारा है ही उसमें या आपकी विवाद खुद उत्पन्न की किया बनाई जाएगा, प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें विवाद रहेगा, ये जो विवादित आपको प्रॉपर्टी को, आप नुकसान प्रॉपर्टी तो दिलाएगा, बनाएंगे लेकिन ये विवादित प्रॉपर्टी तो होगी आप जिनके जो हाथों में आपको ऐसी नुकसान रेखाएं दिलाएगा। बनती है, वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले कई अब बार अन्य जो आपस में बनता सोच है, ये विचार जो कर रेखा लेगा। हमारी होती है, एक ये स्थिति जो ये बुध की बनती है, ओर ये जाने रेखा वाली जो रेखा बुध अगर की ओर इस प्रकार जाती से है, यहाँ और ये पर अगर मस्तिष्क त्रिभुज रेखा के बना साथ दी इस इस प्रकार प्रकार से से, त्रिकोण बनाती ये है, बनाते हैं, तो ऐसे जातक जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो ऐसे सोचे जातक भी नहीं अपनी होते हैं, प्रॉपर्टी उनको बनाते अचानक हैं, से इनको अगर प्रॉपर्टी कहीं से नहीं भी प्राप्त हो मिलता थी, जाती अपनी है। प्रॉपर्टी बनाने में सफल हो जाते हैं।